Hi, welcome to Eat Right Diet with Dietitian Shreya. And this time I'm telling you about the foods which can increase the breastfeed. Yes, ऐसे food जो गलत गोग हैं और ये food वो food हैं जो actually खाने से breastfeed, breast milk increase हो जाता है. So मैं ये सोच रही थी कि क्या link है दोनों में कि breastfeeding week भी कटा है और friendship week भी कटा है. तो इसका एक association मुझे समझ में आया क्योंकि जो friendship bond होता है वही एक bond mother और child शेयर करते हैं इस हफ्ते में, इसीलिए ये दोनों शायद इकट्ठे आते हैं वीक. सो आज हम बात कर रहे हैं ऐसे कुछ फूड के बारे में जो ब्रेस्ट फीड, ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज कर सकती है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड, ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि जिस वुमेन को मिलती है उनको हम सबसे लकी बोलते हैं और उनको हम बोलते हैं कि आपको दुनिया में सब कुछ मिल गया है. तो ऐसे कुछ फूड हम स्टार्ट करते हैं. आप पेन पेपर ले लीजिए और जॉट डाउन करना शुरू कर दो. ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ही ये एक्सपीरियंस कर रहे हो, अगर आपके फैमिली में कोई भी ऐसी नोन या आपकी कोई फ्रेंड है जो ब्रेस्ट फीडिंग लैक्टेशन ड्यूरेशन पर हैं, मतलब लैक्टेशन स्टेज पर हैं, तो आपको ये फूड नोट डाउन करने हैं उनके लिए. तो पहले हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में सबसे पहले आएगा आपका स्पिनच. तो आप पालक बीटरूट का सूप एक दिन में एक बार ज़रूर उनको दें. इससे ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज हो जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिंस इंक्रीज हो जाते हैं और इम्यूनिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. सो पहला है आपका स्पिनच बीटरूट का सूप. उसके अलावा है फेनिग्रिक मेथे. फेनिग्रिक मेथे दाने का आप कॉन्कॉक्शन भी बना सकते हैं. मेथे दाना को जैसे आप रात को बॉईल करके या पानी में सोक करके रख सकते हैं एक या दो चम्मच एक कप में. सुबह उसको बॉईल करके अगर आप पियेंगे वो टी, इसको हम कहते हैं फेनिग्रिक टी. तो अगर आप ये फेनिग्रिक टी पियेंगे तब भी ब्रेस्ट जो मिल्क है, ब्रेस्ट फीड है, वो इंक्रीज़ हो जाता है. या आप मेथी की सब्ज़ी बना सकते हैं, मेथी या पालक की आप रोटी बना सकते हो, मिसी परौंठी बना सकते हैं, मतलब आप जो स्टफिंग है वो मेथी और पालक की रोटी कर सकते हो. उसके अलावा एल्फा एल्फा स्प्राउट्स, इंडिया में अगर आपको अवेलेबिलिटी का इशू आता है तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया पालक और मेथी आप ये चीज़ें ले सकते हैं. उसके अलावा एग्स, जैसे मैं कहती हूँ संडे हो या मंडे रोज़ खाएं अंडे, तो चाहे मानसून हो, चाहे कोई आप किसी भी रिलीजियस को बिलीव करते हैं, पर प्रोटीन एक बॉडी का एक बिल्डिंग ब्लॉक है. प्रोटीन के बिना कुछ नहीं है. आपके हेयर, आपका स्किन, आपका हर एक ऑर्गन एक प्रोटीन है, एक मसल है. तो बहुत ज़रूरी है प्रोटीन्स को फुलफ़िल करना. तो ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क मतलब मदर्स के लिए लैक्टेशन स्टेज पे जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने एग्स का कंजप्शन ज़रूर रखें. 4 to 6 एग्स पर डे, एग वाइट आपको ज़रूर लेना चाहिए. उससे आपको प्रोटीन भी मिलेगा और मिल्क. ब्रेस्ट फीड हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट 6 मंथ्स में बहुत ही ज़रूरी है, पर आप 1 साल 2 साल तक भी करा सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड रहती है 6 महीने तक. और इस 6 महीने में जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, जैसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है 1.3 ग्राम्स, तो ये 100 ml में मिलती है इतनी. सो इतने प्रोटीन के लिए आपको एग्स डेफिनेटली खाना पड़ेगा. और उसके अलावा आप दालें ले सकते हैं, आप सोयाबीन ले सकते हैं, बट एग्स एज आई से दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. उसके अलावा गार्लिक आप सुबह उठ के आप अजवाइन, दालचीनी, मेथे का पानी बना सकते हैं, उसके साथ 1 या 2 क्लोव आप गार्लिक ले सकते हैं. इससे भी आपका मिल्क का क्वालिटी बहुत ही अच्छा इन्हांस हो जाएगा. ऑरेंजेस में विटामिन सी कंटेंट बहुत अच्छा होता है और 100 ml मिल्क में जो विटामिन सी है वो आपको 3.8 mg मिलता है. सो विटामिन सी बच्चे की इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है, IgA लेवल्स को मेंटेन रखता है, बैलेंस रखता है. तो आपने अगर नोटिस किया हो कि जिस बेबी ने मदर मिल्क लिया हो, जिसने ब्रेस्ट फीड किया हो, वो बच्चा ज़्यादा हेल्थी है, उसको कैंसर नहीं होता है, उसको लंग इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, उसको इन्फेक्शंस यूजुअल इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, वो बाकी बच्चों से जो टॉप फीड्स लेते हैं, जो फॉर्मूला मिल्क लेते हैं, उनसे ज़्यादा हेल्दी होते हैं. सो डेफिनेटली विटामिन सी डाइट में अच्छा हो, इसलिए आपको ऑरेंजेस का इंटेक करना चाहिए, लेमन का इंटेक करना चाहिए और आमंड ड्राई फ्रूट में आमंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग जैसे बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप मिल्क पीते हैं तभी मिल्क सिक्रीट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. बेसिकली ब्रेस्ट फीड कैसे बनती है, ऑक्सीटॉक्सिन एक हार्मोन होता है और आपके ग्लैंड से वो हार्मोन प्रोड्यूस होता है और तभी आपका जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और तभी आपको ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प होती है. सो ऐसा नहीं है कि आप जब दूध पीते हो तो दूध ही बनेगा, ये सब चीज़ों से आपका दूध का क्वालिटी इंप्रूव होता है. इसमें वाटर का कंटेंट बहुत अच्छा है जितना बेबी को चाहिए. तो
इस मिथ में इस उसमें आप मत रहना नोशन पे कि आप मिल्क अगर लेंगे, हम लोग बल्कि ये कहते हैं कि आपको हार्मोन्स अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसा टाइम है जिसमें फिर से प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है. सो आप ट्राई करें कि दूसरा मिल्क लेने की बजाय अगर ऑर्गेनिक है तो ठीक है, बट अदरवाइज़ आप आमंड मिल्क का इनटेक कर सकते हैं. आमंड मिल्क की रेसिपी आपको यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी. आप उस रेसिपी से अपना मिल्क बना सकते हैं और एक मुट्ठी आमंड का मिल्क बना के आप पूरे दिन में उसको कंज्यूम कर सकते हो. कर्ड आप ले सकते हैं, डेफिनेटली कर्ड भी एक प्रोबायोटिक, एक गुड बैक्टीरिया का एक सोर्स है, तो वो भी आपको, आपके लिए भी बहुत अच्छा है और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. उसके अलावा रागी, रागी का शीरा मेरा खुद का फेवरेट है, रागी शीरा. तो चाहे वो आयरन हो, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, चाहे वो लैक्टेशन हो, जो रागी शीरा है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है. आयरन और कैल्शियम उसमें बहुत ही अच्छा होता है. सो आप रागी का शीरा बना सकते हैं, टर्मरिक जिंजर टी ले सकते हैं. सो ये सारे वो फूड थे जो आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा ब्रेस्ट फीड की क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए. इसके अलावा आपके अगर कोई और क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं. ये तो मैंने आपको वो फूड बताए जो डेफिनेटली हेल्प करता है ब्रेस्ट फीड को इम्प्रूव करने में. अब मैं आपको थोड़े से जल्दी जल्दी से बेनिफिट बता देती हूँ कि ब्रेस्ट फीड कराने के बेनिफिट्स क्या हैं. अगर हम मदर की बात करें तो मदर्स के लिए सबसे पहली जो बात आती है, जब डिलीवरी होती है, प्रेगनेंसी ओवर होती है, डिलीवरी होती है, चाहे वो सिजेरियन हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, तो हमारा वेट पुट ऑन हो जाता है, यूट्रस का जो साइज़ है वो एक्सपैंड हो जाता है. सो ब्रेस्ट फीड कराने से ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है, उससे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है और आपका वज़न नॉर्मल शेप में आना शुरू हो जाता है. सो जो लेडीज़ ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनका वज़न जल्दी कम होता है. येस, यू हर्ड मी राइट. सो अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको ब्रेस्ट फीड कराना है. उसके अलावा लेडीज़ के लिए, मदर्स के लिए पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक बहुत ही ज़्यादा कंसर्न एक पॉइंट है. सो जो लेडीज़ ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन नहीं होता है, गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं और आपके फेस पे, आपके हेयर पे एक बहुत ही प्यारा सा ग्लो और लस्टर रहता है. उसके अलावा उन लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं. बहुत कम चांस हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के या सर्विक्स कैंसर होने के. सो कैंसर, लंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन ये सब मदर्स में नहीं होता है जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं और ज़्यादा हेल्दी होती हैं. और जो ब्लोटिंग अगर आप नोटिस करेंगे प्रेगनेंसी के बाद थोड़ी ब्लोटिंग बढ़ जाती है जब वो वाला फेज होता है, सो ब्लोटिंग कम हो जाता है फीड कराने से. आपको टेंडरनेस जो होती है वो कम हो जाती है ब्रेस्ट में, चेस्ट में. सो ये तो सब बेनिफिट्स थे मदर के. अगर हम अभी चाइल्ड के बात करें, बच्चे के लिए क्यों बेनिफिशियल है, तो डेफिनेटली बच्चे के लिए अगर ये कहा जाता है कि आप एक लाइफ देते हो जब आप एक बच्चे को पैदा करते हो, दूसरी लाइफ आप तब देते हो जब आप उसको फीड करते हो, ब्रेस्ट फीड करते हो. आपने एक बार पैदा कर दिया, उसके बाद उसकी लाइफ है. आपको अगर वो लाइफ को भी सेट करना है तो आपको ब्रेस्ट फीड कराना है. ब्रेस्ट फीडेड जो बच्चा है, टॉप फीड ठीक है, अगर आपको किसी सर्कमस्टांसिस में टॉप फीड कराना पड़ता है तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन, आपके न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करना है कि वीनिंग डाइट्स उनको क्या देनी है. वीनिंग डाइट बहुत ही हेल्दी होनी चाहिए इन केस ऑफ टॉप फीड्स. बट अगर ब्रेस्ट फीड की हम बात करें तो बच्चों में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, उनकी लाइफ आगे बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाती है, बाकी बच्चों से ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, IgA लेवल्स बहुत अच्छे होते हैं, उनमें भी डेफिनेटली लंग कैंसर, लंग इन्फेक्शन कोई कैंसर्स नहीं होते हैं. बच्चों को बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है, हाइट अच्छी ग्रो होती है, मसल्स बहुत अच्छे रहते हैं. अब अगर मैं आपको ये बताऊँ कि क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू है, सो न्यूट्रिटिव वैल्यू ये है कि पहले जब आपका ब्रेस्ट फीड बनता है तो पहले 7 दिन तक एक कोलेस्ट्रॉम, अगर आपने सुना होगा सुपर फूड, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि ऐसा क्या सुपर फूड है जो हम खाएं. कुदरत ने एक सुपर फूड दिया है जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉम और वो ब्रेस्ट फीड में निकलता है 1 to 7 days तक. ये कोलेस्ट्रॉम में विटामिन सी है, इस कोलेस्ट्रॉम में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स नहीं होते हैं, इसमें राइट अमाउंट में फैटी एसिड्स हैं, पूफा है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और इसके अलावा इसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ये चीज़ें ज़्यादा है, विटामिन सी बहुत अच्छा है जिससे बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होती है.
इन 7 दिनों के बाद जब बच्चे ने कोलेस्ट्रॉम ले लिया है, वो बच्चे की इम्यूनिटी किसी भी और बच्चे की इम्यूनिटी से ज़्यादा है। पहली तो ये चीज़ हो गई कि ब्रेस्ट फीड से सबसे पहला फ़ायदा है कोलेस्ट्रॉम, जो आज तक कोई दुनिया में दवाई नहीं बना पाया है इतनी अच्छी सुपर फूड की। सो डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉम। और उसके बाद अगर हम बात करें न्यूट्रिटिव वैल्यू की, तो बच्चे को जो चाहिए, बच्चे को जितना, क्योंकि फर्स्ट 6 मंथ्स में हम लोग पानी तक नहीं पिलाते हैं, चाहे उसको हिकअप्स हो रहे हो, चाहे बच्चा जून में पैदा हुआ है, जुलाई में पैदा हुआ है, जितनी भी मर्जी गर्मी हो, आपने ना उसको कोई जन्म घुट्टी देनी है, ना आपने कोई पानी देना है, क्योंकि इस फीड में, इस ब्रेस्ट फीड में क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू है, इसमें आपको पूरा वाटर मिलता है, मॉइस्चर मिलता है जो बेबी को नीडेड है। उसके अलावा 67 किलो कैलोरीज हैं 100 ml में, और एक बच्चा 6 से 7 बार फीड ले सकता है दिन में। डिपेंड करता है, हमें ज़्यादा फोर्स नहीं करना है कि वो फीड ले, बच्चे का खुद डाइजेस्टिव सिस्टम छोटा होता है, उसको पता है कब उसको फीड लेना है, कब उसको सिर्फ पेसिफाई, कब उसको इमोशनल नीड चाहिए, कब वो सिर्फ मदर को पकड़ के रखेगा। सो प्रोटीन 1.3 ग्राम्स है, फैट 4.2 ग्राम्स है 100 ml में, कैल्शियम 35 ग्राम्स है, आयरन 76 mcg है, दैट मीन्स माइक्रोग्राम्स, और वाइटामिन सी है 3.8। तो अगर हम बात करें प्रोटीन्स, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये सब कंप्लीट सोर्स है एक ब्रेस्ट मिल्क। ना आपका कोई एक्स्ट्रा इसमें खर्चा है, ना आपको स्टरलाइजेशन की ज़रूरत है, ना आपको टेम्परेचर सेट करने की ज़रूरत है कि दूध ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडा है। कुदरत ने आपको एक बेस्ट फूड दिया है पहले 6 महीने के लिए एक्सक्लूसिवली, और डिपेंड करता है आप 1 साल 2 साल 3 साल। मैंने अपनी बेटी को 3 साल तक फीड किया है, एंड बाय गॉड ग्रेस शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ वेरी हेल्दी, शी इज़ वेरी टॉल ऑल्सो लाइक हर फादर। सो डेफिनेटली I just wish you happy breastfeeding week, month, life. So good luck, bye bye, take care, and if you have any queries, please feel free to talk to me. Thank you so much. Please, and before that, like my channel, subscribe my channel, comment and share if you spread the knowledge. Thank you.